आज इसलिए टीवी नहीं देखना चाहिए क्योंकि ये सब झूठ दिखाता है। कुछ बच्चे ऐसा कहते हैं, राजीव भाई आपकी बात हमने मान ली, अभी हम टीवी में जाहिरात तो नहीं देखेंगे। लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं उसमें चित्राहार तो आता है वो तो देखेंगे, या तो उसमें फिलिप्स टॉप टेन आता है वो तो देखेंगे, अभी कॉलगेट टॉप टेन आता है वो तो देखेंगे। अभी तुम बताओ ये देखो चित्राहार, फिलिप्स टॉप टेन, कॉलगेट टॉप टेन, ये सब फालतू के कार्यक्रम। इसमें क्या आता है? कुछ गीत आते हैं, गाने आते हैं, और ऐसे घटिया घटिया गाने आते हैं, ऐसे रद्दी रद्दी फालतू के गाने आते हैं जो कभी देखने नहीं चाहिए। उदाहरण के लिए उसमें गीत आता है चोली के पीछे क्या है, या ऐसे ही गीत आता है चीज बड़ी है मस्त मस्त, या ऐसे ही एक फालतू का गीत आता है आती है क्या खंडाला। अभी तुम लोग मुझे ये बताओ कि ऐसे घटिया घटिया गीत, फालतू के गीत देखने चाहिए? और ये फालतू के गीत ऐसे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। एक एक से ऐसे ऐसे फालतू के गीत लिखते हैं हिंदुस्तान में और उनको सिनेमा में भर भर के दिखाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं। और ये सब गंदे गंदे गीत, गंदे गंदे गाने देख देख कर हम लोग फिर उसी को गाते हैं, फिर उसी तरह का चरित्र हमारा धीरे धीरे बनता चला जाता है। तुमको मालूम है भगत सिंह कौन सा गीत गाता था? भगत सिंह गाता था मेरा रंग दे बसंती चोला। किस विद्यार्थी को यह गीत पूरा आता है? किसी को नहीं आता। और अभी मैं पूछूं आती है क्या खंडाला किसको आता है? देखो कितने हाथ उठा दिए। मेरा रंग दे बसंती चोला किसी को नहीं आता। जो आना चाहिए गीत वो नहीं आता, और जो नहीं आना चाहिए वो हम सब जानते हैं। हमारा दिमाग खराब हो रहा है, इसलिए मेरा तुमसे दूसरा भी निवेदन है कि ये फालतू के घटिया घटिया गीत देखने बंद करो। तुमको मैं एक बहुत मार्मिक बात पूछना चाहता हूं। मान लो तुम्हारी माताजी तुम्हारे साथ बैठी है और टेलीविजन पे गीत आता है चोली के पीछे क्या है, अपनी मां के साथ बैठकर ये गीत देख सकते हो? मान लो तुम्हारे साथ तुम्हारे पिताजी बैठे और गीत आता है चीज बड़ी है मस्त मस्त, देख सकते हो अपने पिताजी के साथ बैठकर? मान लो तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारे साथ बैठी है और गीत आता है आती है क्या खंडाला, देख सकते हो? तो जो गीत हम हमारी मां के साथ नहीं देख सकते, जो गीत हम हमारे पिताजी के साथ नहीं देख सकते, जो गीत हम हमारी बहन के साथ बैठकर नहीं देख सकते, वो गीत टीवी पे क्यों देखें? समझ में आया? इसलिए चित्रहार देखना बंद करोगे, फिलिप टॉप टेन बंद करोगे देखना? कौन कौन बंद करेगा हाथ उठाओ। हाँ अभी हाथ नीचे करो। अभी एक तीसरी बात और समझाता हूं। कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं कि राजीव भाई आपकी बात समझ में आई, अभी हम चित्रहार नहीं देखेंगे, ये फालतू के गीत नहीं देखेंगे।